बात करना, मैं तुम लोगों को सबसे पहले मनोहर के घर ले आया, क्योंकि जानता हूं मनोहर को इस वक्त गिल्ड कॉम्प्लेक्स से बाहर निकालना सबसे अहम बात है, ताकि वो अदिति को अपनी मोहब्बत का एहसास दिला दे। मैं वाकई बहुत नर्वस हो रहा हूं। सजन, सजन ये क्या है? तुम मुझे बचाने आ पहुंचे? तुम बड़े भाई से मिलो। बड़े भाई, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। आप भाभी, तुम्हारी आदिति की भाभी देवर जी आदिति। तुम्हारे मन में बड़ी कसूर है, मैं ही और के एहसास में बैठा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ प्यार नाम है लूटने का, लुटाने का नहीं। लो आ गई तुम्हारी सासू मां और देवर भाई, संभालो ही नहीं। आप कहाँ जा रहे भैया? तुम अपना वेश संभालो, मुझे भी तो अपना घर बनाना है। भाई बहन संभल जाते हैं, लेकिन बहनों को भी उसके पति के पास ही होता है। यानी कि आप रोमा से शादी करने को तैयार हैं? मैं रोमा से शादी करूंगा। अदिति के खातिर? नहीं, अपने लिए, रोमा के लिए। मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि जो कुछ भी मैंने किया अपनी नेचर के खातिर किया, और मुझे आज यहाँ पर एहसास हो गया, क्योंकि दौलत से इंसान सब कुछ खरीद सकता है, रुतबा, हसीयत, सब कुछ, लेकिन सज्जन जैसा भाई का प्यार नहीं मिल सकता। क्यों? ठीक कहा ना? यही तो है अनोखा बंधन, अदिति और सज्जन का एक दूसरे के साथ। भैया, तुम पर जितना नाज किया जाए उतना कम है, मैं बहुत खुश नसीब हूं। क्या बात है अदिति, आज बड़ी सीरियस नजर आ रही हो। बिछड़ने का वक्त आ रहा है ना भैया, इसलिए मन भारी हुआ जाता है। क्यों, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मम्मा के साथ लंदन जा रही हूँ पूरे एक साल के लिए। कम तो नहीं होती ना एक साल की जुदाई? बस इतनी सी बात? अरे पगली, मैं महीने में 3 दफा लंदन जाता हूँ। एक बात कहूँ भैया, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? हे अदिति, फॉर गॉड से इतना सीरियस नहीं रहो, मुझे अच्छा नहीं लगता यार। कोई पंगा करो, कोई लड़ाई करो। भैया, ये अपनी छोटी बहन की तरफ से छोटा सा प्यार का नजराना समझकर कबूल कर लीजिए। ठीक है, मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर कर दी है भैया, अपनी वीकनेस से इंस्पायर होकर, क्योंकि एक लंबे अरसे से जंग चल रही थी इस दौलत को लेकर आपकी और भार्गव खानदान के बीच। मैंने इस दीवार को गिराकर आप तक पहुंचने वाली हर नफरत भरी निगाह का रास्ता बंद कर दिया है। इसे रख लीजिए भैया। ये तुमने अच्छी बात की, इसकी तो मुझे बहुत जरूरत थी। इसे कहते हैं मेरी प्यारी बहन। भैया, आप मुझे नाराज तो नहीं हुए ना? बिल्कुल नहीं। ये क्या भैया? अदिति, आज तुमने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। I love you. I love you.
चलो अच्छा हुआ रोमा, आदिति भी अपनी सास के साथ लड़ने में नहीं। आई फील रिलैक्स। एक बात पूछूं सज्जन, सच सच बताना, क्या तुम मुझसे शादी इसीलिए कर रहे हो कि तुम मुझे चाहते हो, या फिर कहीं अदिति को लेके तुम जलस तो नहीं हो रही हो रोमा? जलन और अदिति से? सज्जन ऐसा ख्याल भी कभी अपने दिल में मत लाना। सच कहूं रोमा, मैं तुमसे शादी करते हुए डर रहा हूँ। जानकर खुशी हुई कि जनाब आपको भी डर लगने लगा है। कहीं आने वाले कल में तुम मेरे और अदिति के बीच आई तो तुम मुझे उसी वक्त गोली से उड़ा देना। तुम्हें पिस्तौल चलाना तो आता है ना? तुम बहुत ही हाजिर जवाब हो रोमा। और तुम बहुत ही शक्की, मुझे मेरी क्लिनिक छोड़ दोगे? Why not, ma'am? अब तो आपकी ही चीज जरूरी करनी पड़ेगी, तो क्यों ना हंसते हंसते की जाए। चारू, ए चारू, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लंदन का वीजा मिल गया होगा पक्का। नहीं, पहले मुंह मीठा करो। अदिति को एक प्यारी सी बेटी हुई है। पक्का मामा ने बताया होगा? हाँ, मामा का भी लंदन से फोन आया था। शी वाज वेरी एक्साइटेड। अच्छा, सचिन को खबर की आपने? हाँ, मामा ने खबर कर दी होगी। बट देन ऑल्सो आई विल कॉल हिम अप। रोमा, ये बाग हमारे पुरखों के हैं, इन्हें संभाल के रखने में हमने कोई कोताही नहीं। समझ गई, तुम्हारे कहने का मतलब यही है ना कि इन बागों से भी मुझे उतना ही प्यार करना पड़ेगा जितना तुमसे और अदिति से। अरे, ये फोन तो राजेश का है। हाँ राजेश। सज्जन मुबारक हो भाई, मामू बन गए तुम। थैंक यू वेरी मच राजेश, ये खबर हमें पहले ही मिल चुकी थी। हाँ हाँ, वो लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं। ओके देन, ओके देन, सी यू, बाय। हाँ तो डॉक्टर रोमा, अब तुम भी तैयार हो जाओ शादी के लिए। अदिति अगले हफ्ते आ रही है और हम दोनों शादी करेंगे। ओ सज्जन, मुझे यकीन नहीं होता कि ये दिन मेरी जिंदगी में आएगा जब तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। रोमा, अब तुम प्रैक्टिकल जिंदगी में कदम रखने चाहो, इसलिए प्रैक्टिकल हो जाओ। चलो घर चले। मुझे घर नहीं जाना। हा? घर नहीं जाना, फिर कहाँ जाना है? जहाँ तुम ले चलो। काश आज रात अदिति वापस लौटता है। हंस लो हंस लो, बाद में बदले गिन गिन कर लूंगी। ठीक है, चलो। सो यू आर रेडी फॉर द पार्टी? ओ राजेश, आई एम सो हैप्पी टुडे, इसलिए आई वांट टू लुक वेरी बेस्ट टुनाइट। किसका कर्ज करने का इरादा है आज? अगेन लाइक पुलिंग जॉ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मारूंगी भी तुमको। हमेशा तुम उसको ऐसे ही करते रहते हो, तंग करते हो, रो रूठ जाती है तुमसे। रूठोगी तो उसका फायदा हमारा ही है। लगता है सज्जन आ गया। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम नीचे चलो, मैं भी आपकी दवाई बंद करती हूँ। कम फास्ट। ओके। मैं तो आजकल बस दिन गिनता रहता हूं। अदिति के बिना जिंदगी अधूरी है। आई विश शी विल मेक इट फास्ट। और तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? वो तो बस चल ही रही है, बस सिर्फ एक दफा अदिति आ जाए। हेलो। हाँ विकी, बोलो। सचिन, आई एम सॉरी, अदिति और मनोहर कार एक्सीडेंट में मारे गए। विक्की भार्गव, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता नहीं मुझे बेहुदा मजाक पसंद नहीं। सज्जन, सब खैरियत तो है?
हेलो 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 कह रहा है तेरी अदिति पालकी ऐसा नहीं हो सकता अजीश वो कह रहा है मेरी अदिति मर गई आपकी इतनी जरूरत उससे मेरी अदिति को छीन ले राजेश नहीं नहीं हो सकता राजेश वो कहता है मेरी अदिति मर गई तुम जरा फोन लगाना तो प्लीज तुम धीरज रखो सज्जन मैं भी फोन लगाता हूं हाँ हेलो विक्की और उसकी बेटी हेलो 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 भगवान अगर मेरी अदिति को कुछ हुआ मैं तुम्हारे पूरे संसार को आग लगा दूंगा आग लगा दूंगा अदिति 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 मेरी जान सचिन सचिन होश में आओ सचिन सचिन होश में आओ अब अदिति और मनोहर इस दुनिया में नहीं रहे डॉक्टर साहब अब सचिन कैसा है मुझे अफसोस से कहना पड़ता है डॉक्टर उमा शॉप में जाने की वजह से मिस्टर सज्जन पहला ही सो गए वो ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर क्या हम उनको लंदन लेके जा सकते हैं कोई फायदा नहीं आप उन्हें कहीं पे भी ले जाइए लेकिन वो ठीक तभी होंगे जब रब चाहेगा यस देयर इज नो मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ थ्रोमेटिक अटैक्स क्या शॉक थेरेपी को इफेक्ट दिखा सकती है यस शॉक थेरेपी अक्सर ऐसे केसेस शॉक थेरेपी से ही ठीक होते हैं मेरे ख्याल में मिस्टर सज्जन को एक ऐसा सदमा देना होगा जो कि सदमे की लकीर उनके दिमाग से मिटा दे और यही होगा मिस्टर सज्जन के लिए क्रिएटिव थेरेपी शॉक थेरेपी यानी सज्जन की जिंदगी बचाने के लिए उसे एक और शॉक देना जरूरी है राइट ओ अदिति वेयर आर यू आखिर मैं अदिति को ले ही आया लेकिन ये तो बिल्कुल अदिति जैसी लगती है राजेश और मम्मा ने कोई प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं किया तुम्हें सज्जन के लिए मैं मम्मा से क्या दुनिया से लड़ सकता हूँ हाँ पूरा यकीन हो गया है कि सज्जन अब बिल्कुल अच्छा ही जाएगा हाँ रोमा भी यही कहती है सब ठीक हो जाएगा देखें छोटी अदिति सज्जन को कैसे काबू में करती है एक है जमीन मेरी एक है मौका मेरा इसमें सब लगाऊंगा अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही अल्ट्राटेक ही क्यों आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है घर एक मौका एक इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक अल्ट्राटेक इंडियाज नंबर वन सीमेंट मालूम है आज तुम्हारी अदिति आ रही है तुम्हारे पास सज्जन मुझे पूरा यकीन है कि जिस अदिति की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है उसी अदिति की वजह से तुम ठीक भी हो जाओगे तुम्हारे खाने का वक्त हो गया मैं अभी आती हूँ Thank you.
अच्छा अदिति जरा एक सेकेंड। ये क्या है मांगते हैं भाई? हाँ मैं लंगड़ी हो जाऊंगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ उस डॉक्टर को बुलाओ ना भैया प्लीज। तुम ऐसा करो, तुम यहीं ठहरो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। प्लीज मां। मजा आया देखा कैसे गिरा दिया। मामा के साथ लंदन जा रही हूँ पूरे एक साल के लिए। कम तो नहीं होती ना जुदाई एक साल की भैया? रोमा आई एम एबनॉर्मल, इसलिए तुम्हें बार बार कहता हूँ मेरे लिए अपना वक्त बर्बाद न करो। एक बात मैं तुम्हें साफ कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन तुम मेरी जिंदगी को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरह रेटिफाई नहीं कर सकते। तुम भले ही मुझसे शादी ना करो लेकिन मैं खुद को तुमसे ब्याह चुकूंगी। तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। मैं भी देखती हूँ तुम्हारी जिद में ज्यादा ताकत है या फिर मेरी तपस्या में। अब मेरी तरफ से शादी को लेकर कभी कोई बात नहीं उठेगी, अगर जिक्र चला भी तो पहल तुम्हें करनी पड़ेगी। अदिति आज शाम तक हमारे पास पहुंचनी चाहिए, ये मेरा फैसला नहीं हक है। सुनो, आप लोग जहां जाना चाहते हो शौक से जाओ, पर एक बात सुन लो, अदिति अब कभी वापस नहीं लौटेगी तुम्हारे पास। ठीक है मिस्टर सज्जन, देखते हैं कि आपकी जिद में ज्यादा दम है या हमारे दावे में। इसका फैसला आज शाम को हो जाएगा। बाय। शर्त लगाई थी कि आप मुझे अकेले छोड़कर लंदन नहीं जाएंगे। अनुकायबल अब आप लंदन नहीं जा रहे। अदिति जब तेरी शादी होगी तब भी क्या तुम मुझसे इतना ही प्यार करेगी? ओहो भैया, शादी करके लोगों के दिल बदल जाते हैं क्या, या फिर उनकी सेंसिटिविटीज खत्म हो जाती हैं? स्वीटहार्ट, शादी करके लोगों की प्रायोरिटीज बदल जाती है। आप समझी कि आप शादी से हमेशा ही क्यों कतराते रहते हैं? हाँ बूझो तो जाने। अच्छा अगर मेरा अंदाजा सही हुआ भैया तो फिर आप मुझे क्या देंगे? जो तुम मांगोगे। सोच लो फिर बाद में मुकर नहीं जाना। क्यों, पहले कभी इनकार किया है क्या? चल पूछ। भैया मैं जानती हूँ आप शादी इसलिए करने से कतराते हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं दूसरी औरत के आ जाने से हम दोनों के आपस का प्यार कम ना हो जाए। Is it right? लगता है तुम सचमुच समझदार हो गई हो। भैया बात मत डालिए, मुझे जवाब चाहिए मेरे सवाल का। Am I right or wrong? मेरा अंदाजा सही है या गलत? मेरी बात सही, बिल्कुल सही, 100% सही। डेपो किंग के खुद पे भरोसा नहीं है या मुझ पे शक है? अदिति मैं सिर्फ अपने आप से डरता हूँ। मेरे वजूद में जब से ये जानना शुरू किया कि चाहत क्या है, तब से तुम, सिर्फ तुम मेरी जिंदगी का मकसद हो। बता जिंदगी में रखा क्या है? ओ भैया आप कितने क्यूट हो भैया। I love you, 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 I love you. अच्छा भाई आप छोड़ भी दो ना। नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, मरती मर जाऊंगी बुला कर, कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है सज्जन, तुम रो रहे हो?
से तुम्हारी अदिति को तुमसे जरूर मिलवाऊंगी। चलो खाना खाते हैं। अदिति के बिना सज्जन की बगिया कितनी उदास हो गई है। अब जूनियर अदिति आ गई है ना, देखना सब ठीक हो जाएगा। क्यों चारू? सज्जन, ये तुम्हारी अदिति है, इसका ध्यान रखना। मैं अभी आती हूँ। यानी सज्जन की जिंदगी बचाने के लिए उसे एक और शॉक देना जरूरी है। राइट। कामयाब रही। मामा, मेरी अदिति मर गई, मेरी आंखों के सामने उससे बहुत दूर चली गई। कौन कहता है तुम्हारी अदिति तुमसे दूर चली गई? ये देखो, ये रही तुम्हारी अदिति। अदिति, मेरी अदिति, अदिति की अदिति है? फिर मुझे रुलाने? रुलाने नहीं सज्जन, हंसाने। संभालो इसे। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? इस नन्ही अदिति को अपनी तरह बनाकर और मेरी अदिति की आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बनाकर। क्या तुम इस अदिति की मां बनना पसंद करोगी? अंधे को अगर रोशनी का वरदान मिल जाए तो वह किसी और शय की तमन्ना कैसे कर सकता है? रोमा, तो बहुत अधूरा इंसान हूँ। मेरे अधूरेपन से तुम कहीं अधूरी ना हो जाओ, यही खदशा है मुझे। अधूरी तो मैं हूँ सज्जन, तुम्हारे बिना। मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, शायद मेरे अधूरेपन से मिलकर तुम्हारा अधूरापन एक नया जीवन बन जाए इस नन्ही जान के लिए। काश इस दुनिया का हर अधूरा आदमी तुम्हारी और मेरे जैसा होता, फिर कोई अदिति अनाथ होने के श्राप से नहीं रुलती। हाँ रोमा, चलो